आप जो है मेरे पीछे देख रहे हैं, कुछ सामान रखी हुई है। कुछ सामान क्या, बहुत सारी सामानें रखी हुई है, क्योंकि यह जो सामान रखने का, बाहर निकालने का एक कारण है। मुलुंड ईस्ट में संकल्प सोसाइटी जो है 17-18 सालों से जो है, जिन लोगों का मकान था, लोगों का जो है बिल्डर द्वारा भाड़ा नहीं दिया जा रहा है, भाड़ा ना देने की वजह से वो लोग जहाँ पे रह रहे थे, अब उनको 25,000 रुपये जो भाड़े लग रहे हैं, जो कि उनको पड़ नहीं रहा है, उनके पास इनकम नहीं है कुछ, जिसकी वजह से अब उनको यह घर जो है खाली करना पड़ रहा है मुलुंड ईस्ट का। और वहीं पे उनका खुद का मकान जो संकल्प सोसाइटी में बिल्डर के ना काम करने की वजह से, उस प्रोजेक्ट के रुकने की वजह से जो है ये सारी दिक्कतें आई हुई है। तो बिल्डरों से लोग कितना परेशान है, यह चीज़ हम आपको दिखाने के आप प्रयास कर रहे हैं कि बिल्डरों से लोग 17-18 सालों से परेशान है, लेकिन सरकार, महाराष्ट्र सरकार इन चीज़ों के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार का जो है कानूनी कार्रवाई या किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। वहीं पर मुलुंड ईस्ट में PAP प्रोजेक्ट जो है चालू है, बाहर के लोगों को ला के यहाँ पर देने का काम किया जा रहा है। वहीं पे मुलुंड के लोगों को बिल्डर द्वारा जो सताए गए हैं, जिनको भाड़े नहीं बिल्डर दे रहे हैं, या फिर किसी कारण बस उनकी बिल्डिंगें टूट गई हैं, वो बेघर हैं, उनको ना दे के बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। तो हमारा चैनल में सिर्फ हम यही हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यहाँ के नेता प्रतिनिधि जो भी हैं और मंत्री जो भी हैं महाराष्ट्र सरकार के, इस वीडियो को देखने के बाद जो ध्यान दें, लोगों की समस्या को समझें कि किस लेवल तक पूरे महाराष्ट्र में लाखों लोग परेशान हैं, एक व्यक्ति की नहीं परेशान है। मैं तो एक परिवार की कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारी सामानें रखी हुई हैं, और यह परिवार जो है बिल्डर के भाड़ा ना देने की वजह से परेशान है, खुद का मकान ना मिलने की वजह से परेशान है। और इस परिवार से आज हम मिलेंगे कि क्या कारण है कि इनको यह मकान जो है रेंट पर रह रहे थे, यह मकान छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो सर आप देख रहे हैं हम सारे सामानें जो है बिखरे हुए हैं, पैकिंग हो रहे हैं, आज के दिन हमें पता चला तो हम आए आपसे मिलने के लिए। तो सर क्या कारण है कि ये सब आप लेके जा रहे हो? कारण ये कि 2007 से जो हमारा रीडेवलपमेंट में गया सोसाइटी, उसका अब तक कुछ बना नहीं। 7 मंजिले तक बनाया और ऐसा ही रख दिया। कम से कम 10 साल से हम लोग को भाड़ा नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग खुद का पैसा डाल के भाड़े से रहते, तो हम लोग को अभी बहुत तकलीफ होने लगा, इसलिए हम लोग अभी इधर से शिफ्ट कर रहे हैं। कितना कम से कम भाड़ा इधर 25,000 रुपये है, हर एक टाइम 25,000 लाने का, तो साल में कितना गया, 3 लाख। तो सर आप 17 सालों से आप भाड़े पे हैं, तो 3 लाख रुपये के हिसाब से अगर हम पकड़े तो अमाउंट लगभग बहुत बड़ा अमाउंट हो रहा है। बड़ा होता है, पर क्या करेंगे, लेकिन मजबूरी है ना, तो मजबूरी के लिए इधर रहना ही पड़ता है। 4,500,000 रुपये आप रेंट दे चुके हैं खुद का मकान होते हुए भी? सही है, खुद का मकान होते भी हम लोग रेंट दे रहे हैं। कम से कम अभी 10 साल सोचो कितना हमारा पैसा गया होगा। सर बिल्डर कौन था और सेक्रेटरी कौन है आपके सोसाइटी के? बिल्डर अपने धनश्री डेवलपर्स शंकर बोरकर, हमारे सचिव है राजेंद्र तळेकर, ये दोनों की मिली भगत है। मिली भगत की वजह से हम लोग का काम रुका है। अगर काम करने का उन लोग को सही मतलब होता तो करते थे, लेकिन ऐसा हो रहा है कि काम ही नहीं कर रहे। ये दोनों मिली भगत है, इस एजेंट अपने ये जो राजेंद्र तळेकर है वो तो टोटली कमीशन के ऊपर है। ये क्या सेक्रेटरी है? हाँ सेक्रेटरी, कमीशन के ऊपर जी रहा है वो। सर एक मिनट मैं रुकूंगा, मैं बताना चाहूँगा किसी भी सोसाइटी के जो सेक्रेटरी की एक टाइम पीरियड होता है 3 साल के लगभग होता है, 3 साल के बाद जो है सेक्रेटरी चेंज होता है, वोटिंग होती है, सिलेक्शन होता है। लेकिन आप इनके सोसाइटी का जो है बिल्डर को देने के बाद भी 17 सालों से एक ही जगह जो है पोजिशन बनाए, जो है फंड काढ़े, जो है बैठा पड़ा है, ये जो है 20 बोलेंगे एक तरह से, 20 लोगों को घोल के जो है पिला रहा है, 20 दे दिया है लोगों को, मौत देना जैसे बोलते हैं ना किसी की ज़िंदगी में जीते जी मर जाना, ऐसी ज़िंदगी लोगों को कर रखा है सेक्रेटरी और बिल्डर ने मिलके, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सेक्रेटरी एक ही पोजिशन पर इतने सालों से कैसे बैठा पड़ा है? टी वार्ड के ऑफिसर्स, बाकी जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? और दूसरी चीज़ है, इस सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर ऐसे भी हैं, वो लोग एक साथ हुए एक साल जो है इसका विरोध करें तो ही उनको न्याय मिल सकता है। कुछ लोग लड़ रहे हैं, इनका सहयोग करें। और मैं और भी बताऊंगा सर, आप यहाँ से जाने वाले कहाँ पे हैं? पुणे। आप पुणे जा रहे हैं? हाँ लड़की के उधर। लेकिन सर आपके इतने सालों से आप यहाँ पर रह रहे थे, आपके फ्रेंड सर्कल थे इन लोगों को, देखो अभी मजबूरी तो है, इतना पैसा किधर से लाएंगे हर एक टाइम, तो हम लोग अभी सोचा चलो अभी पुणे में कुछ मिलता होगा सस्ता बिस्ता तो उधर निकल जाएंगे। अच्छा आप जैसे ऐसे कितने लोग जो है इसके पहले जा चुके हैं? बहुत जन गए हैं पुणे में, तो कम से कम 2-4 जन तो गए। वो कामड़ी करके था, वो भी उधर गया पुणे, वो स्टार्टिंग में ही गया पुणे में, बहुत से ऐसे गए। और दूसरा क्या मालूम, ये लोगों ने जो पैसा जमा किया ना
वो पैसे का जो पावती मिलना मांगता है परफेक्ट वैसा पावती नहीं दिया। उन्होंने क्या किया है, जो पावती दिया है वो जो मास्टर कार्ड रहता ना उसके ऊपर लिख के दिया है। 100 रुपये लिखा है उसका मतलब 1,00,000 रुपये लिया, 50 लिखा है उसका मतलब 50,000 लिया। आप लोग के साथ फ्रॉड भी हुआ है? टोटली फ्रॉड या नहीं है, अगर रेवेन्यू स्टैम्प के सहित अगर आप पावती दे रहे हैं बिल्डर तो देट इज़ परफेक्ट, बराबर ना। और वो परफेक्शन नहीं इनके अंदर, सबके पास से 50 लाख 40 लाख बहुत से पैसे लेके भी उन लोग को सही ये नहीं दिया है। अच्छा, जब ये बिल्डिंग गई थी रिडेवलपमेंट में गई थी तो उस समय आपकी क्या एज थी? मेरी उस टाइम कम से कम, अभी क्या एज है? अभी मेरा 70 है। 70 है तो लगभग आप 52-53 के लगभग थे? हाँ, 53। आप समझ सकते हैं 53 के एज में बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है, जिस समय इनको मकान में रहना होता है उस समय आज ये मकान से बाहर जा रहे हैं और दर दर भटकना पड़ रहा है खुद का मकान होते हुए भी। इसका दोषी कौन है? बिल्डर और सेक्रेटरी। अगर सेक्रेटरी भी सही होता तो वह मिल के सारे मेंबर्स को लेकर दूसरे बिल्डर को दे सकते थे, कुछ ऑप्शन निकाल सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए जो होता है, यह सोसाइटी मेंबर्स जो है कुछ लोग मिल के जो है कितने लोगों का फ्यूचर खराब कर देते, भविष्य खराब कर देते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें हमने, आपने मेरे चैनल पर देखा होगा जो है एक माँ और बेटी उनका परिवार तो बिखर गया, उनका परिवार बिखर चुका है। और वैसे ही ये परिवार आप देखेंगे पूरी सामान जो है बांध के, यह भी परिवार जो है एक तरह से अपने दोस्तों को नात रिश्तेदारों को यहाँ से छोड़ के जो है जा रहे हैं। आप सामान दिखाइए, आप देखिए इनके बेड सोफे सारी चीज़ें ये बांध के जा रहे हैं, तो आप सोचिए कितना कष्ट हो रहा होगा इनको। लेकिन हम फिर से एक बार कहेंगे कि सर मुझे आप बताएं क्या क्या किस हिसाब से आपके साथ एग्रीमेंट हुआ और इसमें सेक्रेटरी कितना फ्रॉड किया आपके साथ में? एक्चुअली पर्सनल एग्रीमेंट किसका भी हुआ नहीं है, खाली कन्वेंस हुआ है वो भी हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। वो तो सेक्रेटरी द्वारा कुछ अमाउंट भी लिया गया था आप लोग से, ऐसा आरोप लगा हुआ था? मेरे पास से तो नहीं, मैंने दिया, क्योंकि जिन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया है जगह वो लोगों ने पेमेंट किया। आपकी जानकारी में कि लोगों ने दिया है तो क्या दिया है आपको? 3-4 लाख दिया है। अच्छा, सेक्रेटरी को दिया हुआ। प्रशासन क्या मदद कर रहा है आप लोग को, इतनी बार आप लोग गए? प्रशासन को हम लोग बहुत टाइम गए, इन सबको मिले हम लोग, लेकिन कोई इसके अंदर ये नहीं कर रहे, अंदाज ये नहीं कर रहे। इस परिवार का जो है, इस सोसाइटी के मेंबर्स का जो है, प्रशासन से लेके सरकार तक ऐसी कोई भी जगहों पे लोग ना नहीं बचा ही नहीं कि गए नहीं, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की, ना प्रशासन मदद किया, ना सत्ता में बैठे लोगों ने मदद किया, ना यहाँ के आमदार खासदार लोगों ने या नगर सेवकों ने, ऐसे किसी व्यक्ति ने जो है इन लोगों का मदद नहीं किया। और इन लोगों के साथ में मैं बताऊँगा मुलुंड ईस्ट वेस्ट ऐसे बहुत सारी सोसाइटी पड़ी हुई है जो ऐसे स्कैम चल रहे हैं बिल्डर द्वारा, लोगों को रेंट नहीं देना, बिल्डिंगें तोड़ के बनाना नहीं, जिसकी वजह से कितने हजारों करोड़ों लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और इसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है, महाराष्ट्र सरकार का ध्यान इन चीज़ों पे नहीं है। अपनी सीट लाना कैसे है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना, बड़े बड़े कैंपेन कैसे करना है, लोगों को भीड़ इकट्ठा कैसे करना है अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन जिन चीज़ों के लिए वो चुन के आते हैं वह कार्य नहीं करते। यहाँ के MP MLA का वह कार्य नहीं दिखा। मैं जो है ये जो 17 सालों से सरकारें आई और गई, हर एक पार्टियों की सरकारें आई और गई, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं हुआ कि वह अपने कार्य को किया हो, जिसलिए चुन के आया था, जनप्रतिनिधि जनता के कार्य के लिए आया था, लेकिन जनता उसकी आंखों के सामने इतने बिल्डर के द्वारा परेशान है, क्योंकि नेताओं के पैसे ही बिल्डरों के पास लगते हैं, तो इसलिए जो है नेता कहीं ना कहीं बिल्डर के ऊपर जो है वह नहीं प्रेशर बना पाते हैं। ऐसा मार्केट में जो है एक जो है लोग बताते हैं कि बिल्डरों के पास जो है नेताओं के पैसे लगते हैं और इसकी वजह से नेता उनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते हैं, और यही दबाव होता है कि प्रशासन भी काम नहीं कर पाता, कहीं कहीं पॉलिटिक्स प्रेशर की वजह से प्रशासन भी लोगों का खुल के मदद नहीं कर पाता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है छोड़ के आने वाले जो है चुनाव में जो है इन सारी चीज़ों का असर मिलेगा, पूरी मुंबई के लोग जो है इन चीज़ों से परेशान हैं, तो सरकार को जो है सोचना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर। और ऐसा परिवार जो है आज खुद के मकान में रहते हुए 25,000 रुपये भाड़ा दे रहे थे, लेकिन हमेशा एक आदमी की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, चढ़ाव उतार जिंदगी में होता है, रेंट देना मुश्किल है, इनकम नहीं है उतनी, एज के हिसाब से जॉब कर नहीं रहे हैं, सारी चीज़ें होती है, परेशानियां होती हैं, उन चीज़ों को देख के आज इनको शिफ्ट करना पड़ रहा है। और यही मुलुन में फिर से मैं कहूँगा PAP प्रोजेक्ट में जो है फिर से यहाँ पर ला कर लोगों को बसाया जा रहा है, ऐसे लोगों को क्यों नहीं वहाँ दिया जाता, यहाँ के नेताओं द्वारा प्रस्ताव क्यों नहीं रखा जाता
कि यहाँ के लोगों को जो बेघर हो गए हैं, जो लोग पीड़ित हैं बिल्डरों द्वारा, क्योंकि बिल्डरों द्वारा इसलिए क्योंकि अगर ये नेता लोग अगर सही होते तो इनको न्याय दिला सकते थे, इनकी आवाज़ बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। यहाँ के मनोज कोटक जी, मिहिर कोटजिया जी जो है बीजेपी की, यहाँ के बीजेपी का गढ़ माना जाता है जहाँ मुलुंड को, वहीं पे बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, और वहीं पे ये दृश्य आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको नाम लेके इसलिए बता रहा हूँ, मेरा किसी का विरोध करना नहीं है, लेकिन सच्चाई में बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने सालों से हमारे जनप्रतिनिधि तो वही हैं, हम उन्हीं की नाम ले सकते हैं, हम उन्हीं को बोल सकते हैं, हम तीसरे को नहीं बोल सकते। अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो इन चीज़ों को देखने के बाद इनकी समस्याओं को समझें और इन चीज लोगों को न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि एक परिवार आज यहाँ जा रहा है और कितने लोग जो है ये होने के बाद कि कोई ऑफ हो गए हैं, लोग चले गए हैं, बच्चे जो है अपने जॉब में लगे हुए हैं, और कुछ मेंबर्स ऐसे पड़े हैं जो कि उनकी भी एज ज़्यादा हो चुकी है। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैडम को भी आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियो में पीछे भी मैडम है, इन लोगों को आपने देखा होगा, इनके भी जो है जीवन, इनके भी जीवन के जो है 17-18 साल रिटायरमेंट हो चुके हैं लोग, इनको रेस्ट करना है, लेकिन दर दर भटकना, रेंट पे अलग अलग जगहों पे रहना, वहाँ ब्रोकरेज देना है, रेंट अलग से देना है, पैकिंग करके लेके जाना, लेके आना है, ये सब सारी दिक्कतें, और गिनना है कि 365 दिन कब हो रहा है, 11 महीने जैसे कंप्लीट होता है फिर टेंशन कि हमें फिर कहीं शिफ्ट करना है, अगर मकान मालिक ने एग्रीमेंट नहीं बढ़ाया तो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है मैं यही कहूँगा मेरे चैनल के माध्यम से, प्रशासन इनका ध्यान साथ दे, इनके चीज़ों को सेक्रेटरी के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हो, जो लोग अगर गुनाहगार हैं तो, और अगर सरकार अगर इन चीज़ों के ऊपर अगर जल्द से जल्द फैसला नहीं लेती है तो मुंबई में ऐसे लाखों लोग हैं जो बेघर होने वाले हैं, मुंबई छोड़ के उनको जाना पड़ेगा, सिर्फ जो है राजनीति की जो है नीतियों द्वारा जो है सरकार की नीतियों का ही कमी है, क्योंकि इनके ऊपर किसी ने कोई भी अभी तक नीति नियम नहीं बनाया है कि बिल्डरों के ऊपर कोई अंकुश लगाया जा सके, उनकी लूट जो है मनमाने तरीके से लूट रहे हैं। मैं मैडम से बात करूँ, मैडम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुप्रिया राणे। तो आप क्या कहना चाहेंगे आपकी सोसाइटी को लेकर? हम लोग भी तकलीफ से गुजर रहे हैं इधर से, ज़्यादा करके कुछ भाड़ा नहीं मिलता है, कुछ नहीं, हम क्या करें, वो रिटायर है उसका, वो बीमार है उसका, ये ऑपरेशन भी हुआ है, फिर कैसा करेगा आप लोग? क्या देखिए, जैसे कि इनकी आंखों में आंसू आ चुका है और हम किसी को रुलाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम जो आपको बता दें कि आप समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति जो है परेशान है, उनका दर्द है, वह उनके आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन जो है बैठे जो सत्ता में बैठे यहाँ के आमदार खासदार मंत्री हैं उनको चूं तक नहीं रेंग रहा है, क्योंकि उनके परिवार का कोई रो नहीं रहा है, उनके परिवार का कोई रो नहीं रहा है, इसलिए उनको असर नहीं पड़ रहा है। अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति अगर रोता, उनके परिवार का एक बूंद आंसू अगर गिरता तो वह कहीं कहीं जमीन आसमान एक कर देते इन चीज़ों के लिए, लेकिन दूसरे के परिवार के, दूसरे के माँ बाप जो है यहाँ से वहाँ ठोकरें खा रहे हैं, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जो है मेरे वीडियो को बंद करना चाहूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं मेरे दिखाने का मेरा मकसद यही है कि इन लोगों को न्याय मिल सके। इसी के साथ मैं जय पांडे, PGN News से, जय हिंद।